ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आखिरकार आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है? आप अक्सर हमें ये बात पूछते रहते हैं कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है और हमारा भाग्य खराब क्यों है। अगर खराब है तो उसे अच्छा कैसा करा? हमारे भाग्य में तो आज तक कुछ लिखा ही नहीं है। हम जितनी मेहनत करते हैं, हमें उसका मन मुताबिक परिणाम मिलता ही नहीं है। मतलब हम कई तरह से भाग्य को डिसएडवांटेज में या भाग्य को बहुत नकारात्मकता में, या भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, लक हमारा साथ नहीं दे रहा, इसके बारे में हमारे मन में कई सारे प्रश्न हैं। तो अगर आपके मन में भी भाग्य से जुड़े कुछ प्रश्न हैं, या आपका भाग्य साथ आपका कैसा दे, कुछ चीज़ें ऐसी करें जिससे आपका भाग्य बहुत ज़्यादा आपका साथ दे। दूसरी बात है कि अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो भी आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका भाग्य जरूर साथ देगा। हम हमारे वर्तमान की आपाधापी, वर्तमान की परेशानियों में बहुत सी चीज़ें छोड़ते जाते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम हमारे भाग्य को मजबूत कर सकते हैं और इससे कई सारी चीज़ें जो हैं हम पॉजिटिव वे में जीवन में हमारे कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आपके भाग्य में क्या लिखा है और आपके भाग्य को आप कैसे मजबूत, तंदुरुस्त और अच्छा कर सकते हैं बहुत सरल, बहुत सहज तरीकों से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें। कोई भी नाम, जो नाम आपको अच्छा लगता हो, वो आप कमेंट्स में भोलेनाथ का जरूर लिखें। अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चली रहे, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले, अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि कभी भी जिस भी व्यक्ति को भाग्य का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फायदा लेना है, उसे अपने दिमाग को शांत रखना होगा। शांत दिमाग सही निर्णय लेता है, सही निर्णय से हमें सही फल मिलता है और सही फल से हमारा भाग्य जो हमें चीज़ें देना चाहता, हम उसके करीब पहुंच पाते हैं और उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, अपने दिमाग को, अपने आप को बहुत ज़्यादा सकारात्मक रखें, नकारात्मकता से दूरी बनाकर रखें। और नकारात्मकता से दूरी में ये ना सोचें कि जो गलत बातें हैं उनको हम छोड़ ही रहे हैं। अगर कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें ऑब्जर्व करके, जिनको हमारे लिए सही करना है, उन्हें सही करने की कोशिश करें और एक सकारात्मक मूड के साथ, एक सकारात्मक कोशिश के साथ आगे बढ़ना है। दूसरी बात है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो उसे डीमोटिवेट करने वाले कई सारे लोग आते हैं। वही लोग आपकी सही पहली परीक्षा होती है और उस परीक्षा में अगर आप पास हो गए, मतलब उनकी बातों से आप डीमोटिवेट नहीं हुए, अपने काम पर अगर अच्छे से फोकस आपने रखा, आप जरूर सफल होंगे। तीसरी बात है कि कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपके मन में ये भ्रांति है कि हम छोटे तरीके से चीज़ों को पा लें, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। आपको अपनी मेहनत पूरी करना होगी, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करना पड़ेगी, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना पड़ेगी, आपको जरूर सफलता मिलेगी। चौथी जो सबसे ज़्यादा प्रो टिप्स जो है मेरे आपको देना चाहता हूँ, वो अपना मंत्र जप। मैं हमेशा कहता हूँ मंत्र जप में वो शक्ति है कि शायद आप सोच नहीं सकते। इसलिए जितना हो सके अपने इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का जप करें। अगर कोई मंत्र या इष्ट मंत्र नहीं है आपके पास तो ओम नमः शिवाय का जप करें। आप जितना जप करेंगे उतने ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आपको अपने जीवन में मिलेंगे दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।